करते हैं, लगातार सरकार के लिए मराठाओं के लिए काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस और एनसीपी के लोग बैक हैंड सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, मराठा समाज के साथ अन्याय, अत्याचार और धोखा पिछले 3.5-4 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार ने किया, इस बात से खुद शिवसेना बीजेपी भी इनकार नहीं कर सकती। जब पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग जिलों में एक मराठा लाख मराठा करके इन्हें मराठा समाज का मुख मोर्चा निकलता था, तब उन्होंने एक ही मांग रखी थी कि हमारे आरक्षण के संदर्भ में आप एक तत्काल फैसला करें। मैं इनको याद दिलाना चाहूँगा कि जब कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार थी, तब हमने एक ऑर्डिनेंस के जरिए मराठा समाज और मुस्लिम समाज को आरक्षण देने का प्रावधान किया था। वो ऑर्डिनेंस को मरने दिया गया, लैप्स होने दिया गया, उसको कानून का रूप नहीं दिया गया। अरे कौन थे? यही मुख्यमंत्री थे। तो आज उसके विरोध में, उस असंतोष का जो एक अभिव्यक्ति के तौर पर ये मराठा आंदोलन निकल के आ रहा है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी से निवेदन करूंगा कि आप शुतुरमुर्ग की तरह मुंह अपना रेत में डालने के बजाय इस पूरी समस्या को गंभीरता से समझिए और इसको दूर करिए, वरना ये धीरे धीरे बड़ा रूप धारण करेगा, विकराल रूप धारण कर सकता है। क्योंकि ये बहुत शर्म की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री मराठा आंदोलनकारियों से डर के पंडरपुर की पूजा में भी नहीं जा पाते। वो खुद गृहमंत्री हैं, मतलब गृहमंत्री खुद महाराष्ट्र में सुरक्षित है। क्यों? क्योंकि उन्हें झूठ बोला, उन्होंने फर्जी वादे किए, उन्होंने मराठा समाज के साथ धोखा किया, जिससे उनके मन में एक भय है, उनके अंदर एक चोट बैठा हुआ। एक आखिरी सवाल ये है कि उन्होंने कहा कि हाँ, जितने एनसीपी या कांग्रेस के लोग थे उनमें जो मराठा नेता थे उन्होंने अपने परिवार को बनाया, जबकि मराठाओं के लिए कुछ काम नहीं किया। सही मायनों में बीजेपी काम कर रही है, लेकिन अब मामला कोर्ट के पाले में है, तो ऐसे में सरकार भारतीय जनता पार्टी का एक पुराना शगुफा होता है, वो अपनी हर असफलता को छुपाने के लिए कांग्रेस को दोष दे करके जान बचा लेते हैं। फिर से मैं उनको यही कहूँगा कि आप इस पूरी समस्या को इग्नोर मत करिए। आज सत्ता में आप हैं, आपकी तरफ लोग उम्मीद से देख रहे हैं, और ऐसे में जो भी समस्या है उसको सिर्फ कांग्रेस के ऊपर ढकेल देने से आप नहीं बच पाएंगे। आपको समाधान ढूंढकर देना पड़ेगा। कांग्रेस ने क्या किया नहीं किया आज ये इसके प्रतिपादन की आवश्यकता नहीं है। आज महत्वपूर्ण यह है कि सरकार में बैठे जो लोग हैं, जो भी समाज, जो भी वर्ग अगर कोई असंतोष व्यक्त करता है या कोई मांग रखता है, तो उसकी पूर्ति करनी पड़ेगी, उसको उसका रास्ता ढूंढ के देना पड़ेगा। बिल्कुल, तो जिस तरीके से संजय निरुपम कह रहे हैं कि